लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। जैसा कि आपको मालूम है कि जुलाई महीने में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था, उस समय हमारे क्राइम ब्रांच के जो टीम थी उन्होंने दो आरोपी तौफीक और मनोज गुप्ता दोनों को उसमें अरेस्ट किया था और उस समय भी करीब 7 गाड़ियाँ उस समय रिकवरी की गई थी। ये सारी गाड़ियाँ जो है ये दोनों लोगों ने चोरी करके अलग अलग राज्यों में उसको बेचा था और वो सानपाड़ा का जो केस था मेन, उसमें हमने फिर बाद में सबको चार्जशीट किया और उसी की कड़ी में फर्दर उसको इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता लगा कि शायद अभी इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं और भी राज्यों में गाड़ियां गई हैं और इनका स्पेशल एक मोडस ऑपरेंडी है। हर गिरोह कुछ अलग तरीके से अपना काम करता है और ये बड़े हाईली टेक्निकल इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, अभी आपको दिखाया जो कि जो तौफीक करके जो मोहम्मद तौफीक है वो कैसे डुप्लीकेट चाबी बना करके कंप्यूटर के जरिए वाईफाई का यूज करके पहले जाना गाड़ी का उसका जो विंडो का कांच तोड़ना, फिर बाद में उसका ये निकालना और उसका फिर डीसीएम सॉकेट को फिर ऑफ करना, फिर बाद में सायरन कट करना, फिर वापस उसमें उसको करंट लाना, फिर उसको उसमें सॉकेट में जा करके अपना जो डिवाइस है उसका कंप्यूटराइज्ड उसको लगा करके उसका ओरिजिनल जो चाबी का कोड ख़त्म करके डिकोड करके दूसरा जो नवीन है उसमें डालने का, तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और बड़ा ही टेक्निकल मोडस ऑपरेंडी था। तो ये उसी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर 6 आरोपी और उसमें अरेस्ट किए गए, 6 गुनहगार और अरेस्ट किए गए, 5 लोग अरेस्ट किए गए। ये 5ों के नाम इसमें हैं और उसमें 11 गाड़ियां और भी जब्त की गई, टोटल 82 लाख की नई गाड़ियाँ हमने उसमें जब्त किया, तो टोटल अभी 1 करोड़ 64 लाख की जो गाड़ियां अभी तक जब्त की गई हैं और इसमें और भी तपास चल रहा है। अभी भी हमको कुछ 6 आरोपी करीब अभी भी हमको वांटेड हैं और इसमें उम्मीद है कि अभी तक हमने 20 गुना डिटेक्ट किया है और 10 गुना शायद और भी इसमें डिटेक्ट होने के चांसेज हैं। काफ़ी अच्छा काम किया हमारी क्राइम यूनिट 1 जो है यहाँ की क्राइम ब्रांच की, उसमें एडिशनल सीपी महेश घुरे साहब का मार्गदर्शन ये लोग काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते रहे, डीसीपी सुरेश मेंगड़े, एसीपी चौहान साहब और बाकी जो सर्व पूरी टीम है सुनील शिंदे साहब की, शिंदे साहब ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए, स्पेशली गाड़ी के बारे में तो एक्सपर्ट हो गए अभी और बहुत सारे बड़े बड़े आपने देखा होगा, पहले हमने 44 बुलेट से भी रिकवरी किया था, फिर एक बार 150-200 गाड़ियाँ रिकवरी की थी, तो काफ़ी अच्छा काम है। ये सारी हमारी जो टीम है पीआई सिंधे और सर्व उनमें इनके जो कदम है एपीआई तड़वी है, बाकी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं अच्छा रिवार्ड भी दूंगा और वैसे ही इसमें और भी जो 6 आरोपी हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे, बाकी इसमें उम्मीद है कि और भी केसेस निकलेंगे। दूसरा अभी मैं लेट मी फिनिश, दूसरा मेरा अपील है कि अभी जो आपको हमने दिखाया है कि जो कार्य पद्धति है मोडस ऑपरेंडी है, ये जो गैंग है जो टोली है बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, तो मेरी आपसे अपील है कि आप ये लोगों को भी दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि इस प्रकार से भी कंप्यूटराइज वहाँ पे जा करके वाईफाई का यूज़ करके चाबी बना करके वो गाड़ी चुरा सकते हैं, ताकि लोग जो भी गाड़ी के मालिक हैं सावधान रहें, जहाँ भी गाड़ी पार्क करते हैं तो वो भी ध्यान देना चाहिए। प्लस इसमें हमने जो सेकेंड हैंड जो गाड़ी ख़रीदते हैं, क्योंकि इसका एक और भाग है कि ये जो गाड़ी यहाँ से चुरा करके जाकर बाहर जाते हैं तो वो कोई गाड़ी एक्सीडेंट का है उसका पूरा पेपर लेकर के, ये जो गाड़ी है उसकी वो चेसिस नंबर इंजन नंबर उसमें उसको टेम्पर करते हैं, उसके बाद वैसा दिखा करके वो पेपर पे गाड़ी को बेचते हैं कहीं जा करके, क्योंकि चोरी गाड़ी है तो कहीं ना कहीं तो डुप्लीकेट पेपर बना के बेचना पड़ेगा। तो इसमें हमने कुछ जो स्क्रैप डीलर्स हैं उनको भी अरेस्ट किया हुआ है और भी कोई इसमें होगा तो हम करेंगे, लेकिन मेरी हमारी जो अपील है कि आप लोगों को ये पूरा मोडस ऑपरेंडी बताएं
स्पेशली जो सेकेंड हैंड जो गाड़ी खरीदने वाले लोग हैं, कि सिस्टम है अभी, वाहन ऐप है, उसके बाद में गाड़ी का जो उसमें गाड़ी में कंट्रोल यूनिट होता है उसको भी कंप्यूटराइज चेक कर सकते हैं, तो हर चीज़ से पता लग जाएगी एक्चुअली गाड़ी का जो इंजन नंबर दिख रहा है वो सही है, चेसिस नंबर जो है वो सही है या फिर कुछ और ही है। तो वो लोग क्या है कि इसके अगर उनको थोड़ा भी अवेयरनेस रहेगी इस बात की, तो शायद वो ऐसी चोरी की गाड़ी या कोई जो चीटिंग की गाड़ी है उसको खरीदेंगे नहीं और इससे बच जाएंगे। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आप अपने माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाइए। हमने जो भी सूचना दिखाई वहाँ पर, उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कैसे कैसे उसको वेरीफाई करना चाहिए, कुछ चीज़ें जो है खुद कर सकते हैं, आरटीओ से भी कर सकते हैं, और कुछ उनको खुद पता होना चाहिए। और कहीं भी थोड़ा भी उनको डाउट हो कि ये जो नंबर है बराबर दिख नहीं रहा है, इसमें तो कहीं कुछ टेम्पर्ड दिख रहा है या कहीं कुछ तो उसमें एक खरोच है या कहीं अलग से बाद में उसको बना के दिया गया है, तो पता लग जाता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। तो कहीं भी अगर डाउट है तो हमको इन्फॉर्म भी करें लोकल पुलिस को, प्लस हम और भी जगह पे चेक करते रहते हैं जहाँ पे ऐसी डीलिंग होती है, जहाँ ऐसे लोग बेचने वाले हैं, जैसे भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम कार्रवाई करते हैं।